हाय फ्रेंड्स, मैं पंपी अगेन गार्डन आसामचल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आशा करती हूँ आप लोग सभी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने कामों में खूब अच्छी तरह से बिजी हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग को ब्लीडिंग हार्ट प्लांट के केयर के बारे में और इसको किस तरह से बूसी बना सकते हैं और भरपूर मात्रा में इसमें फ्लावर्स किस तरह से पा सकते हैं, वही मैं आज आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये एक परमानेंट सुरक्षा परमानेंट प्लांट है। अगर इसको आपके गार्डन में एक बार ऐड कीजिएगा तो यह सालों साल आपके गार्डन में बना रहेगा। कटिंग से बहुत ही इजीली ग्रो होने वाला यह प्लांट है। बरसात के टाइम में अगर इसकी एक छोटी सी भी स्टेम आप लोग कट करके लगा दें तो ये बहुत ही इजीली लग जाती हैं। लाइट की बात कहें तो फ्रेंड्स, इसको ज़्यादा सनलाइट पसंद नहीं है। दिन भर की धूप इसको पसंद नहीं है फ्रेंड्स। शाम सुबह और शाम की धूप जहाँ पड़ती है उस प्लेस में अगर आप लोग इसको रखिएगा तो ये बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो करेगा और इसमें फ्लावरिंग भी बहुत ही अच्छी तरह से होगी। फ्रेंड्स, अभी मैं वीडियो बना रही हूँ, यह टाइम सुबह की टाइम है और यहाँ पे देखिए कितनी अच्छी तरह से धूप पड़ रही है। दोपहर में फ्रेंड्स यहाँ ज़्यादा धूप नहीं पड़ती है तो इसलिए मैंने इसको इसी प्लेस में रखी हुई हूँ जिससे कि इसमें ज़्यादा मात्रा में फ्लावरिंग हो। मिट्टी की बात कहें तो फ्रेंड्स, इसके मिट्टी में मॉइस्चर बनी रहनी चाहिए, इसकी मिट्टी में नमी होनी चाहिए। तो इसकी मिट्टी को सूखने मत दीजिएगा फ्रेंड्स। जैसे ही इसकी मिट्टी सूख जाएगी तो इसके पत्ते झुलस जाएंगे और इनके फूल भी फ्रेंड्स मुरझाए हुए देखेंगे, नीचे की तरफ झूल जाएंगी। तो फ्रेंड्स, आप लोग मिट्टी को चेक करके ही पानी दीजिएगा। हाथ की बात कहें तो फ्रेंड्स, मैं मेरे जितने भी फ्लावरिंग प्लांट हैं, मैं उसमें जो किचन वेस्ट मेरे किचन से जो सब्जियों के छिलके हो गए, केले के छिलके हो गए, इन सभी को मैं भिगो के रख देती हूँ एक सप्ताह के लिए और उसको मैं सभी प्लांट में हर 15-15 दिन में पानी में डाइल्यूट करके जिस तरह से मैं देती हूँ उसी तरह से फ्रेंड्स मैं इस प्लांट में भी देती हूँ। साथ ही साथ मैं उसमें फ्रेंड्स मास्टर्ड केक की लिक्विड फर्टिलाइज़र भी ऐड करके देती हूँ। इसमें ज़्यादा फ्रेंड्स खाद की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए ये बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है, इजी टू ग्रोइंग प्लांट है। फ्रेंड्स, मैंने बरसात के टाइम में कुछ कटिंग लगाई थी और मेरी सभी कटिंग ही लग गई है। मैं आज आप लोग के साथ दो कटिंग दिखाने वाली हूँ, तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये कितनी छोटी सी एक कटिंग मैंने लगाई थी और इनमें इसमें देखिए फ्रेंड्स फ्लावरिंग भी अभी स्टार्ट हो रही है। और ये दूसरा वाला देखिए कितनी अच्छी तरह से छोटी सी एक कटिंग में फूल खिले हैं। तो फ्रेंड्स, कटिंग से ये बहुत ही इजीली लग जाती हैं। बूसी बनाने के लिए फ्रेंड्स, ये एक बेलदार पौधा है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये एक स्टेम ऊपर की तरफ जा रही है और टिप पर ये देखिए फूल खिले हैं। तो जैसे ही ये फूल खिलकर स्टैंड हो जाएंगे, मैं इसको नीचे किस तरफ से मैं इसको कट कर दूंगी जिससे कि इसके साइड में से फिर से नए नए ब्रांचेस निकले और मेरा ये पौधा बूसी हो जाए और फिर से इनमें फ्लावरिंग हो जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने बरसात के टाइम में यहाँ से मैंने कट कर दी थी तो साइड में से ब्रांचेस निकल के इनमें देखिए कितनी अच्छी तरह से गुच्छों में फिर से फूल खिलने स्टार्ट हो गए। तो इसी तरह से आप लोग आपके ब्लीडिंग हार्ट के प्लांट को बूसी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे इस प्लांट के बारे में जितनी जानकारी थी मैंने आप लोग के साथ शेयर की। तो मेरा ये वीडियो बस इतना ही। वीडियो आप लोग को कैसा लगा ज़रूर कमेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स, अच्छा लगा तो लाइक शेयर और मेरे चैनल में आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।